सो गाइज वेलकम बैक टू सी पी क्लासेस। और ये जो वीडियो है ये बना रहा हूँ मैं सोल के स्टूडेंट्स के लिए, और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टेंटेटिव डेटशीट जो है बी कॉम ऑनर्स की सेमेस्टर टू की, जिनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं जुलाई अगस्त में। अच्छा, ये वैसे तो ये टेंटेटिव डेटशीट है, बट आप मान के चलिए यही फाइनल डेटशीट होगी, अनलेस एंड अंटिल कोई बहुत बड़ा बदलाव ना कर दे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदरवाइज नॉर्मली टेंटेटिव डेटशीट ही आपकी फाइनल डेटशीट बनती है। देखिए, सारे के सारे सोल के स्टूडेंट्स बी कॉम ऑनर्स वाले, आपका जो टाइम ऑफ कमेंसमेंट दे रखा है 2:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा और 5:30 बजे तक चलेगा। सबसे पहला पेपर आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 22 जुलाई 2023 को सैटरडे, आपका पहला पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद 23 जुलाई को आपको देना है AEC का अपना पेपर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी लैंग्वेज आपने चूज़ करी है, इसके अंदर संडे को पेपर है, यानी कि एक भी छुट्टी नहीं है। 22 को पहला पेपर, 23 को दूसरा पेपर। उसके बाद हम फर्दर अगर नीचे चलेंगे तो 23 के बाद आपका 29 तारीख को है सैटरडे कंपनी लॉ का पेपर, जो कि DSC का आपका एक सब्जेक्ट है। उसके बाद 30 जुलाई को आपका है स्किल अनाउंसमेंट, जिसमें फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन और रंगमंच में से जो भी आपने लिया होगा उसका पेपर होगा। फिर 30 जुलाई के बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है 5 अगस्त को DSC का, वो भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तीन आपके मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर अलग अलग डेट्स को हो गया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या किया है इस डेटशीट के अंदर, बेसिकली आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर डेज की चॉइस कम दी है। 5 तारीख को पेपर है, फिर आपका 6 तारीख को पेपर है वैक का, वैल्यू एडिड कोर्स का, ठीक है, इसमें से जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। एंड फाइनली 12 अगस्त को आपका आखिरी पेपर है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल सोसाइटी, या जो भी और 3 पेपर और दे रखे हैं, 5 पेपर हैं टोटल, उनमें से जो भी आपने चूज़ किया होगा। इस तरीके से बीकॉम ऑनर्स की मैं बात करूं, डेट शीट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है, जैसे 22 तारीख के बाद 23 का पेपर है, उसके अलावा 29 के बाद 30 का पेपर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक गैप आई थिंक मुझे देना चाहिए था SOL वालों को। बट मैं आपको बता दूं, इसी डेट शीट के हिसाब से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था ज़्यादा चांसेस नहीं है इस डेट शीट में किसी भी तरह के बदलाव के। तो एज इट इज डेट शीट बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर DU SOL के स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो आई होप आपको डेटशीट समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बीकॉम ऑनर्स ऑल द वेरी बेस्ट।